नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। नोएडा के एलिक्सर बिजनेस पार्क में 30 अप्रैल को 12वां दादा साहब फाल्के अवार्ड आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फिल्म समारोह के निदेशक राजभूल सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देना जरूरी है क्योंकि वो कड़ी मेहनत करते हैं। इस आयोजन के लिए 700 से ज्यादा फिल्मों को नामांकित किया गया था और 100 से ज्यादा निर्देशक, कलाकार और चालक दल मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, अभिनेता और हस्तशिल्प निर्यातक उद्यमी राजेश कुमार जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं को पुरस्कार भी दिया। राजेश कुमार जैन ने हिंदी फीचर फिल्म ब्लू माउंट्स का निर्माण किया। उन्होंने सरकार से गोल्डन हाथी पुरस्कार भी जीता भारत के सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म श्रेणी के तहत, और इस फिल्म के लिए 6 से ज्यादा पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। राजेश कुमार जैन के अनुसार ये फिल्म समारोह स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को बहुत बड़ा अवसर देता है। फरहान अख्तर को अपनी फिल्म तूफान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने फिल्म समारोह की जूरी, उनके निर्देशक राजेश मेहरा, से अभिनेता परेश रावल और पूरी कास्ट और क्रू को धन्यवाद दिया। गुड इवनिंग। फर्स्टली थैंक यू वेरी वेरी मच टू द जूरी ऑफ दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल फॉर दिस इनक्रेडिबल ऑनर दैट दे हैव बेस्टोड अपॉन मी फॉर माय परफॉर्मेंस इन तूफान, दैट माय लव एंड माय अप्रिसिएशन एंड माय रिस्पेक्ट रीचेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। इस आयोजन में पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए गए। जय भीम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। फरहान अख्तर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मराठी फिल्म बेलोसा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र द सेवियर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को मिला। साथ ही नमस्ते जी, द टेल्स ऑफ बूबू और कडलीपू, भोजन, निप इन द बर्ड, ट्रेजर, एनिमेटेड फिल्म श्री साई, इन सभी फिल्मों को 12वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।